हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 8-2 मल्टीप्लाई 3-1 और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर आपको -4 दिया गया है और आपको बताना है कि इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन के इक्वल होगा। जैसे कि ऑप्शन ए आपको दिया गया है 4 वैक्टर्स, ऑप्शन बी आपका दिया 5 वैक्टर्स, ऑप्शन सी आपका दिया गया 2 फैक्टर्स और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 3 फैक्टर्स दिया गया है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, ब्रैकेट वाले साइन को सॉल्व करना होता है, जो कि आपके पास यहाँ पे है -4 दिया गया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -4 देखोगे तो जो कि आपका इक्वल होगा +4 के इक्वल होगा। यानी कि इसकी जगह हम यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं उसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 आराम से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स बन जाते हैं 8-2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे लास्ट में +4 बन जाएगा। और उसके नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, आपको करना है बोर्डमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा 2-3 रहेगा, जो कि आपका इक्वल होगा 6 के। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से नंबर बन जाते हैं, 8-6 +4 बन जाते हैं। और उसके नेक्स्ट टाइम में आपको करना है इन दोनों नंबर को प्लस, यानी कि 8+4 जो कि आपका 12 होगा और 12 में आपको माइनस करना है 6 को माइनस करना है। तो आपके यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाता है, 6 आ जाता है। पर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन किसी भी ऑप्शन ने आपको 6 ने दे गया है। 6 की वैल्यू आप कैसे फैक्टर्स से निकाल सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिया गया है तो सबसे पहले आपको 3-2-1 करना होता है, जिसका सम आपका इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। यानी कि जो 6 होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टर्स के इक्वल होता है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स होगा, जो कि आपके दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।